हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब होममेकर चाहती हैं कि हमारा घर सुंदर दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे। इसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं, अपने घर के हर कोने को सजा करके रखते हैं। और इसके लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं घर को सजाने के लिए। या तो हम सामान मार्केट से परचेज करते हैं या फिर हम उसको घर पर ही तैयार करते हैं। मैं दोनों तरीकों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कुछ सामान मार्केट से परचेज करती हूँ और कुछ सामान वेस्ट मटेरियल से घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। ज्यादातर सामान मेरा खुद का बनाया हुआ होता है घर पर ही, जिसे मैं तैयार करती हूँ। और कुछ सामान मैं जो मार्केट से परचेज करती हूँ उसमें फ्लावर्स और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं। तो ये वीडियो आज इसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और वाइन्स का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये काफी महंगी होती हैं और इनको जल्दी जल्दी परचेज नहीं करना चाहिए। हमारा कोई प्लांट डैमेज हो गया है तो हम उसे किस तरीके से रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं और उसे एक नया लुक दे सकते हैं। तो यही सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने सफाई कर दी है, फैन को क्लीन कर दिया है, सीलिंग वगैरह सब साफ कर दी है, क्योंकि बारिश के मौसम में आपने भी नोटिस किया होगा घर कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। तो सफाई करने के बाद ये सब चीज़ें भी थोड़ी गंदी हो गई हैं, मैं सोच रही हूँ इनको भी एक साथ ही क्लीन कर देती हूँ। तो एसी का फिल्टर निकाल लिया है मैंने और जो वॉल के ऊपर वाइंस लगी थी वो भी मैंने हटा दी हैं। अब मैं एसी को क्लीन कर रही हूँ इसलिए मास्क डाल लेती हूँ, जिससे कि धूल मिट्टी से बचाव हो सके, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी से। इसलिए मैंने फेस कवर कर लिया है, आइज को भी कवर कर लिया है। और ये मेरे पास दो तरह के ब्रश हैं, एक बड़ा मेरे पास पेंट ब्रश है और दूसरा टूथ ब्रश है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसी से मैं इसे साफ़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको साफ़ कर सकते हैं और अंदर से भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ इसको, और बाद में फ़िल्टर वॉश करके इसमें लगा देंगे। और साथ में विंडोज़ की जो नेट है उसकी भी सफाई कर देती हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी धूल मिट्टी जम गई है, क्योंकि बाहर काम चल रहा है गली में खुदाई का, जिससे काफ़ी सारी मिट्टी अंदर आ रही है और इस वजह से हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है। इसलिए सफाई करना ज़रूरी हो गया है और बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है। तो ये काम इधर का कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डस्ट गिर गई है, इसे हटा देती हूँ, वॉश करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। और यहाँ पर आप एक प्लांट देख पा रहे होंगे, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो एसी के नीचे जो स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर मैंने इसे लगाया हुआ था, तो वहाँ पर जगह कम थी, इस वजह से इसकी जो शेप है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसकी लीव्स हैं वो काफ़ी मुड़ी तुड़ी सी हो गई हैं, तो उन सबको ठीक करके मैं इसे दूसरी जगह रिप्लेस करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर हमने बेडशीट बिछा दी है, तो ये कोना हमारा सेट हो गया है। और ये प्लांट में अंदर ले जाकर के इसे साफ़ करके अंदर ही इसे सेट करूँगी। देख सकते हैं कितना फैला हुआ था ये। और ये वाइन्स है जो मैंने ऊपर से निकाली थी, और ये भी एक बंच है फ्लावर का, तो इन्हें वॉश कर लेती हूँ। पहले वॉश करने के लिए मैंने इसमें हैंड वॉश लिया है, एक चम्मच हैंड वॉश डाला है इसमें, क्योंकि माइल्ड होता है। शैम्पू ली जा सकती है, और कोशिश करें आप वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल ना करें। अगर नहीं है ये सब चीज़ें तो आप वॉशिंग पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने साफ़ किया था इनको, तो ज़्यादा गंदी नहीं है ये, तो मैंने बस इसको हल्के हाथ से साफ़ कर लिया है। ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है इनको, अदरवाइज़ इनका जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाता है। इन्हें जल्दी जल्दी वॉश भी नहीं करना चाहिए, मैं इन्हें 3-4 महीने में एक बार ही वॉश करती हूँ। जल्दी वॉश करने से ये फ्लावर्स ख़राब हो जाते हैं। तो 2-3 बार पानी डाल लिया है मैंने इसके ऊपर, जिससे इसमें से जो झाग थे वो निकल गए हैं। उसके बाद अब मैं फाइनली बाल्टी में पानी भर के इस तरीके से निकाल रही हूँ इनको, और जो टैप है उसके ऊपर मैं इसको लगा दूँगी, जिससे इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसे रूम में ले जा कर के फैला दूँगी कपड़े के ऊपर, और फैन की जो हवा है उससे ये सूख जाएंगे आधे एक घंटे में। तो ये देखिए पंखा ऑन करके मैंने इनको छोड़ दिया है, ये सूखते रहेंगे।
और तब तक हम अपने इस प्लांट को साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए इसकी लीव्स कैसे फैली हुई हैं। और यहाँ पर मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है, इसमें भी मैंने हैंड वॉश डाला है और 2-3 गिलास पानी डाल करके मैं इससे स्प्रे कर रही हूँ। और इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो आपने रेगुलर क्लीनिंग करनी है इनकी, तो इस तरह की स्प्रे बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हैं तो ये साफ़ नहीं हो पा रही हैं उतने कम पानी में। मैंने अलग से वाटर लिया है एक मग में और उसमें वॉशिंग पाउडर डाला है, और उसके बाद इस तरीके से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें लगाना पड़ रहा है, तब जाके इनके ऊपर जो धूल जमी है वो साफ़ हो रही है। ये देखिए 3-4 पत्तियाँ पहले मैं एक साथ गीली कर लेती हूँ, हल्का सा रब करती हूँ, और उसके बाद मैंने साफ़ और सूखे कपड़े से इनको पोंछना है दोनों साइड से। तो ये पत्तियाँ साफ़ हो जाएंगी, सारी धूल मिट्टी गंदगी इनके ऊपर जो भी लगी है वो साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद जो इसकी लीफ की शेप ख़राब हो गई है उनको भी हमें ठीक करना है। एक पत्ती इसमें से टूट गई है, उसे भी हमने इसमें लगाना है। तो इस प्लांट को पूरा रिपेयर करना है और इसे एक नया लुक देना है, एक नई जगह पर इसे लगाना है। पहले ये बाहर के रूम में लगाया हुआ था जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। ये प्लांट मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, ये एक लंबा प्लांट था, इसमें से मैंने 2 प्लांट बना लिए हैं। एक मैंने अंदर के लिए रखा है और एक मैंने बाहर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर रियल प्लांट्स जो है टिकते नहीं हैं, क्योंकि धूप नहीं आती, वो मर जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैंने एक एरिका पाम लगाया था और वो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो पीला पड़ के ख़त्म हो गया। और उसके बाद से मैंने इस तरह के आर्टिफिशियल प्लांट्स रखना शुरू कर दिया है। ये देखिए यहाँ से ये लीफ निकली हुई थी, और इस लीफ को ना लगाया जाता तो स्पेस दिखाई दे रहा था, तो उसमें मैंने ग्लूगन लगाई है और लीफ को उसकी जगह पर चिपका दिया है। और ये देखिए पत्तियों की शेप भी ठीक कर दी है, अब ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और आप इस पर इस तरीके की लाइट्स भी लगा सकते हैं, इस तरह के प्लांट्स पर इस तरह की लाइट्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो ये जो लाइटें हैं ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज़ की थी। तो इस तरह की लाइट्स आप फेस्टिवल्स पर लगा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तब आप अपने घर को इस तरीके से सजा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है लाइट्स लगाने के बाद। ये देखिए लाइट ऑफ़ कर दिया मैंने, उसके बाद भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा था। तो इस तरह के प्लांट्स में अगर थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है तो आप उसे रिपेयर करके और उसे फिर से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हम सब जानते हैं बहुत महंगी आती हैं और बार बार इनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो उसे हमें रिपेयर कर लेना चाहिए और फिर से उसको रीयूज करना चाहिए। और ये उलझ गई थी आपस में तो मैंने इनको सुलझा लिया है, कुछ फ्लावर्स इसमें निकल भी जाते हैं जिनको हम फिर से लगा देते हैं। और ये देखिए दोनों वाइन्स हमारी यहाँ पर रेडी हैं, सूख गई हैं, और इनको हम इसे यहाँ पर लगा देते हैं, इस तरीके से सेट कर देती हूँ इनको। और साथ में मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन। एसी का फिल्टर भी क्लीन हो गया है, ड्राई हो गया है, अब इसे भी लगा देती हूँ यहाँ पर। मैंने इसे हाथ से ही वॉश किया है, कोई ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ आपने पानी डालना है और हाथ से इसे दोनों साइड से वॉश कर लीजिए, बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है, ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।